हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। लास्ट लेक्चर में हमने वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा इन दोनों के बारे में समझा था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम जो हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहा जाता है कि ये जो प्रिपेयर किया गया था पहली मतलब स्टार्टिंग में अर्लियर एंशियंट टाइम में अगर हम बात करें तो ये ना जो प्रिपेयर होता था जिस चीज से बनता है वो है जिप्सम। वो एक सब्सटेंस है, वो एक रॉक मतलब टाइप का रहता है जिप्सम। तो उसके जो रिजर्व थे वो ज्यादातर कहां पाया जाता था, पेरिस में पाया जाता था। तो इसलिए इसका नाम क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ आ गया होगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.5H2O। इसमें भी वॉशिंग सोडा की तरह, जैसे वॉशिंग सोडा में 10H2O था वाटर ऑफ हाइड्रेशन या फिर है ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम कहते हैं, तो इसी तरीके से यहां पे हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसका नाम क्या है अगर हम बात करें तो इट इज कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट, सेमीहाइड्रेट है ना, इसको ये आपका नाम बन जाता है इस चीज का। तो ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के, अगर हम बात करें फॉर्मूला और उसका नेम, साइंटिफिक नेम। क्लियर है। अब हम बात करेंगे वही चीज, हम तीन चीजें पढ़ रहे हैं, जो पहला प्रिपरेशन क्या होगी, कैसे बनाया जाता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, और तीसरा यूजेस। ये तीन चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन के लिए। चलिए, तो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन तो इसको प्रिपेयर करने के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हमने अभी बताया। इसको बनाने के लिए एक आपके चट मतलब आप कह सकते हैं रॉक टाइप के होते हैं, चट्टानें होती हैं है ना, तो उस वो यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड जिप्सम। जिप्सम है क्या, ये जिप्सम है क्या, इट इज CaSO4 का केमिकल फॉर्मूला अगर बात करें .2H2O, CaSO4.2H2O ये जिप्सम होता है। इसको हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, अगर हम सेल्सियस में बात करें 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में अगर बात करें तो 373 केल्विन। दोनों में से आपको एक चीज लिख सकते हैं, अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये जो है इसमें से वाटर ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाता है और ये बन जाता है CaSO4.5H2O। इससे वाटर निकल गया है ना, तो 3/2H2O हो गया, इसमें से रिमूव हो गया। क्लियर। तो ये इसका मेथड है प्रिपरेशन का। तो ये इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, जिप्सम से प्रिपेयर किया जाता है और ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। पीओपी, पीओपी हमने बहुत बार सुना भी है ना, पीओपी आपके घरों में यूज होता है, अभी हम यूजेस में आएंगे तो इसको और समझेंगे। ठीक है, तो ये पीओपी जो है इसी को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला है इसका CaSO4.5H2O एंड ये बनाया किससे जाता है, प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट किया जाता है, तो आपका क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब बात आती है, अगर हम बात करें 100 डिग्री सेल्सियस में ही करें क्या, यस, इसका एक टेम्परेचर रेंज है। ठीक है, जो हम बात करें 373 है ना, तो अगर हम बात करें 373 से लेके 427 या 23 ऐसा है ना, इस केल्विन टेम्परेचर रेंज में आपको हीटिंग होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर हो गई, सपोज करिए आपने 500 केल्विन पे आपने हीट कर दिया तो होगा क्या है ना, अगर आपने इसको ज्यादा हीट कर दिया 500 डिग्री केल्विन में, 500 केल्विन में हीट कर दिया तो ये क्या होगा, उस रेंज से अगर हम आगे चले गए या 450 केल्विन पे बात कर लेते हैं, हीट कर दिया तो ये क्या होगा, ये सीधा CaSO4 बन जाएगा और वाटर ऑफ हाइड्रेशन कंप्लीट निकल जाएगा इससे बाहर। ठीक है, तो अगर हमने इसको ज्यादा टेम्परेचर रेंज में चले गए, ठीक है, तो इसको याद रखना है
ज्यादा नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है या फिर 373 केल्विन उसके पास हीट अप करना है। ज्यादा आप कर देंगे तो ये क्या होगा, वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो है या फिर हम बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये पूरा लूज कर जाएगा और आपको खाली CaSO4 मिल जाएगा। इसे बेक्ड पाउडर भी कहा जाता है, सूखा पाउडर होता है, मैदे की तरह जैसा होता है वैसा बन जाता है, क्लियर? तो बेक्ड पाउडर भी कहा जाता है। ये हमारी प्रिपरेशन होगी, समझ आ गया होगा जो हमारी प्रिपरेशन। अब आते हैं प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिखने में कैसा है। ये व्हाइट पाउडर की तरह दिखाई देता है, दिखने में इट इज लाइक अ व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर की तरह दिखाई देता है। तो हम ये लिख लेते हैं, इट इज व्हाइट पाउडर, ये एक व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है, पहली चीज। सेकंड थिंग, अगर हम पीओपी में पानी मिला दें या उसको मॉइस्चर में रख देते हैं तो इट बिकम हार्ड मास। क्या होता है, ऑन एडिंग वाटर इट बिकम्स अ हार्ड मास। हार्ड मास क्या होता है, अगर हम पीओपी CaSO4.5H2O इसको अगर हम वाटर से रिएक्ट करा दें तो ये वापस जिप्सम बन जाता है जो कि हार्ड मास होता है। एक मतलब जैसे पत्थर होते हैं उस तरीके से ये बन जाता है। तो ये चीज आपको समझ लेनी है, अगर हमने पीओपी अगर हीट किया जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वो आपको पीओपी दे देगा, अगर पीओपी को पानी से रिएक्ट कराया तो ये वापस इसको CaSO4 बना देगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, सिंपल है, एक तो ये व्हाइट पाउडर होता है, सेकेंडली अगर हम इसमें मॉइस्चर या पानी डालें तो ये क्या हो जाता है, हार्ड मास वापस बन जाता है, क्लियर हो गया होगा। ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज हो गई। अब बात आती है इसकी यूजेस की, यूजेस को भी समझ लेते हैं। यूजेस, पीओपी के यूजेस हमने डे टू डे लाइफ में बहुत देखे हैं, आसपास आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये यूजेस में हम बात करें तो ये हमारे को मेजर याद रखना है, पहली चीज ये आपका जो आपका ये होते हैं आपके इंटीरियर डेकोरेशन वाले होते हैं, जो आपके इंटीरियर डेकोरेशन कैसे लाइक वॉल है, आपने ईटों की वॉल बनाई सीमेंट कर दिया उसके ऊपर, फिर उसको स्मूदन करने के लिए हम पीओपी की कोटिंग करते हैं, मतलब पीओपी लगाते हैं, ठीक है, ये होता है। तो पहले यूज वही लिख लेते हैं, ठीक है, यूज टू स्मूदन वॉल्स एंड टू मेक टेक्सचर्स एंड शेप्स ऑन वॉल और रूफ। आपने घरों में देखा होगा जो आपके रूफ होती हैं, छतों में पैटर्न बना रखे होते हैं, आप अगर छत को देखेंगे तो जनरली क्या होता है, बॉर्डर बना देते हैं आजकल, ऐसा बॉर्डर होता है और उसमें सर्कल्स की फॉर्म में या कोई और डिजाइन बना रखा है, यहाँ पे फैन लटकते हैं, फैन होते हैं, है ना, तो इस टाइप के सर्कल्स बना देते हैं या बीच में सेंटर में ही कोई फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, है ना, तो छतों में इस तरीके के डिजाइन बनाए जाते हैं। तो ये डिजाइन बन रहे हैं ये सारे पीओपी की हेल्प से बनते हैं, क्लियर। तो ये है आपका एक तो यूज, तो ये आपका वॉल्स को स्मूदन करने के लिए, आपने जब वॉल में जब आपने वॉल खड़ी होती है तो उसमें लास्ट सीमेंट की ना एक लेयर लगती है ऊपर से, है ना, तो सीमेंट लगने के बाद वो रफ रहती है वॉल, उसको स्मूथ करने के लिए आप पीओपी की एक लेयर लगती है, उसके बाद उसमें पेंट हो जाता है, ठीक है, तो वॉल्स आपको स्मूथ फिनिश मिलती है उसकी, ये हो गया, ऐसे टेक्सचर बनाने में काम आता है, ठीक है। सेकेंड, यूज इन केस ऑफ फ्रैक्चर्स बाय डॉक्टर, बोन फ्रैक्चर्स अगर हो जाए, आपकी हड्डी टूट जाती है तो उसको सेटल अप करने के लिए आप, जैसे अगर कोई बोन टूट गई
है ना, उसको क्या करना पड़ता है, उसको पोजीशन पे, प्रॉपर पोजीशन पे होल्ड करके रखना पड़ता है लंबे टाइम तक के लिए। तो उसे सेटिंग कर देते हैं, उसकी सेट कर देते हैं, उसको पूरे को सेट रखने के लिए कोई मूवमेंट ना हो तो आपको प्लास्टर लग जाता है। वो प्लास्टर कौन सा होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। उसमें आपकी मतलब आपने देखा होगा लोगों के लिए कभी भी बोन है ना हड्डी टूट जाती है, तो आपने देखा होगा एक हार्ड मास सा होता है लटका हुआ, मंदा होता है उनके, है ना, हाथों में पैरों में। तो ये क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की वजह से ही होता है, क्लियर। उसके अलावा अगर हम बात करें, अब तो ये कम आते है ना, यूज टू मेक है ना टॉयज, स्टैचूज एक्सेट्रा, खिलौने बनाने में, अब तो बहुत कम है, खिलौने बनते हैं इससे, लेकिन पहले क्या था, हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं ना उनमें खिलौने बनाए जाते थे इससे, वॉल हैंगिंग्स होती थी जो पीओपी से बनती है, ठीक है। स्टैचूज आपके जो लंबे टाइम तक, पहले लंबे टाइम तक जो रहते हैं स्टैचूज, आज भी इसी से बनते हैं कुछ स्टैचूज, जिनको जैसे गणेश चतुर्थी में हम जो स्टैचूज होते हैं हमारे गणेश जी के, उनको उनका जिनका विसर्जन किया जाता है, उनको अब गवर्नमेंट ने मतलब बोला है ना कि आप ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए बना सकते, क्यों, डिसएडवांटेज है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब वो पानी में आप विसर्जन करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम बन जाता है वापस, और जिप्सम बन गया तो एक हार्ड मास बन गया, तो वो डिके नहीं होता है। जिस तरीके से अगर आपको मिट्टी की अगर स्टैचू होगी तो आप पानी में डालेंगे, वो मिट्टी रिसीट अलग अलग हो जाएगी और वो बह जाएगी, मतलब प्रॉपरली गायब हो जाएगी स्टैचू। और अगर हम बात करें पीओपी का है तो क्या होता है, जब बाद में फ्यूचर में अगर आपने जैसे नदी में डाल दिए, दे दी मतलब विसर्जित कर दिया उनको ना, तो डाल दिए, तो वो क्या है वहीं पर रह जाती है, वो डिके नहीं होती है। और जब हम क्या होता है, कभी सपोज करिए लाइक नदी का लेवल कम हुआ तो आपको बहुत गंदगी दिखाई देती है, मूर्ति में ना वो आधी टूट चुकी होती है, तो इस तरीके से और गंदा लगता है वो। तो इसीलिए क्या है, उन्हें बोला जाता है कि पीओपी का यूज ना करें जिन जो मूर्तियों को विसर्जित किया जा रहा है, उन वाली मूर्तियों को बनाने में, समझ आ गए। और टॉयज और ये सब तो हमारे बनते थे इससे, क्लियर। फिर उसके बाद आता है फोर्थ, इट इज यूज्ड एज फायर इंसुलेटर, इंसुलेटर्स, ठीक है, फायर इंसुलेटर। मतलब क्या होता है, कहीं पे अगर ऐसा केस है जहां पे आग लगने का डर है ना, आग से मतलब हो जाएगा, तो ये क्या है, फायर इंसुलेटर्स भी होते हैं एक टाइप से। अगर ये इसकी कोटिंग है उस चीज पे तो वो क्या होगा, हीटअप नहीं होगा। पीओपी क्या है, एक टाइप से सिरामिक की तरह काम करता है, सिरामिक मतलब मिट्टी मड की तरह काम करता है और हीट इंसुलेशन की तरह काम कर जाता है, क्लियर। तो उसकी वजह से क्या होता है, फायर इंसुलेटर की तरह काम करता है। या आपका फायर कोटिंग मतलब अगर जहां पे भी सीलिंग करनी है, यहाँ पे जहां पे आपको क्लोज कर रहा है, तो वहां पे ये यूज किया जाता है, क्लियर। तो ये पीओपी का अगला यूज हो गया। फिफ्थ, यूज टू मेक, यूज टू मेक, ठीक है, मोल्ड्स, ये क्या बनाने के लिए यूज होता है, मोल्ड्स। अब मोल्ड्स होते क्या है, देखिए अगर आप इसको एक देख सकते हैं, जो हम जहां मूर्तियां बनती हैं वहां मूर्तियां बनने के लिए क्या किया जाता है, एक ना पहले से ही प्रीडिफाइंड टाइप के मोल्ड्स बने होते हैं, खांचे बने होते हैं, उन खांचों को, खांचों में उनको ज्वाइन किया जाता है, उनके बीच में लिक्विड भर दिया जाता है, मतलब लिक्विड मतलब लाइक इपॉक्सी भी भर सकते हैं आप, सीमेंट का भी हो सकता है, कोई भी, तो बना भर दिया और उसको सेटल होने देते हैं। कुछ टाइम बाद जो सेटल हो जाता है तो इनको जो आपका जो हमने बताया खांचे बने हुए थे उन्हें मोल्ड कहा जाता है, मुंह मोल्ड से खोल देते हैं और आपको वो शेप मिल जाती है मूर्ति की, तो उस टाइप के लिए भी ये यूज किए जाते हैं। तो इनके यहाँ बनते हैं मोल्ड्स बनते हैं, क्लियर, उस वहां पर भी यूज किया जाता है। और एक और हम बात करें, यूज फॉर सीलिंग पर्पज, यूज फॉर सीलिंग एयर गैप्स, एयर गैप्स इन लैबोरेटरीज, लैबोरेटरीज, लैबोरेटरीज में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिस्टिलेशन हो गया या कोई बहुत मतलब अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जब हमारे को कभी इवेपोरेशन कराना है किसी चीज का, या फिर आपका कोई गैस है वो लीक हो सकती है ना, अगर आप दो कंटेनर को जोड़ लें, तो बीच में क्या करते हैं हम, इसको लगा देते हैं पीओपी को, जिससे कि क्या होता है,
वो एयर लीकेज नहीं होती, ये एयर लीकेज को भी रोकता है। तो इसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेज हैं, आपको समझ आ रहा होगा। तो हम बात करें तो पीओपी क्या है, इट इज कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, ठीक है। और इसका अगर किस तरह से प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन में अगर हम बात करें, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम बात करें 373 केल्विन, क्लियर। उसके बाद हम बात करें तो प्रॉपर्टीज में बात करें तो इट इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन रिएक्टिंग विद वाटर, वाटर से अगर वो मतलब मिलता है तो इट फॉर्म्स अ हार्ड मास नोन एज जिप्सम, जिप्सम बन जाता है वापस, हार्ड मास बन जाता है, क्लियर। यूजेस में बात करें, ये हमारा इंटीरियर डिजाइनिंग में काम आता है, जो घर के अंदर या फिर घर में वॉल्स को पेंट, वॉल्स के लिए, वॉल्स को स्मूदन करने के लिए काम आता है, टेक्सचर बनाने में काम आता है। अगर आपकी बोन फ्रैक्चर कर जाती है, फ्रैक्चर्स के टाइम पे ये यूज होता है हमारा, ये हमारे टॉयज होते हैं या स्टैचूज होते हैं उनको बनाने में भी काम आता है। फिर हम बात करें तो ये मोल्ड्स बनाने के लिए भी काम आता है, फायर प्रूफिंग या फायर इंसुलेटर्स की तरह यूज किया जाता है, और एयर सीलिंग को भी, एयर गैप्स जो होते हैं उनमें सीलिंग सील करने के लिए सील्स की तरह ये भी काम किया जाता है। तो ये हो गया आपका पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, समझ आ गया होगा। तो हमने जो केमिकल्स है, कुछ हमने केमिकल्स की बात जो कर रहे थे, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो हमने बात कर ली। यहाँ पे हमने कौन कौन से पढ़े अभी तक, लास्ट लेक्चर्स में भी सबसे पहले हमने बात करी सोडियम NaCl, ठीक है, कॉमन सॉल्ट हो गया। फिर कॉमन सॉल्ट की बात करें, कॉस्टिक सोडा NaOH की बात करी हमने, फिर हमने बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्लियर। अगला जो है हमारा वो है आपका ब्लीचिंग पाउडर, चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, चलिए ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर अगर हम बात करें इसका, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, इट इज ठीक है। तो ये हो गया कैल्शियम, इसका साइंटिफिक नेम अगर बात करें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या हो गया आपका, इट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ये आपका फॉर्मूला होता है, क्लियर। अब वही आई बात आती है प्रिपरेशन, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज और लास्ट जो है वो है आपकी इसकी यूजेस। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन प्रिपरेशन करने के लिए, इसी प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, स्लेक लाइम को यूज करते हैं, स्लेक लाइम लिया हुआ CaOH, ठीक है। इसको अगर हम CaOH को क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं, क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो इट फॉर्म्स CaOCl2+2, ठीक है। तो आपका ये बनता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है CaOCl2। तो दिस इज आपका जो हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, यही तो था वो, हमने क्या किया स्लेट लाइन को क्लोरीन से रिएक्ट कराया या क्लोरीन पास किया उससे, तो हमारे को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिला विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्लियर है। ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, समझ आ गया होगा। तो प्रिपरेशन करने के लिए आपको ये चीज करनी पड़ती है। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं, तो सबसे पहले आता है कि होता किस तरीके का, तो इट इज अगर हम बात करते हैं, इट इज येलोइश व्हाइट पाउडर, येलोइश व्हाइट पाउडर, हल्का हल्का येलो कलर, मतलब ऑफ व्हाइट जिसे हम कहते हैं, येलो और व्हाइट का थोड़ा थोड़ा
मिक्स होता है, तो ये ऑफ व्हाइट टाइप का दिखाई देता है आपको, तो येलोइश व्हाइट पाउडर होता है, क्लियर। उसके बाद स्मेल होती है स्पीयर्स, तो इसमें क्या है, इट हैज स्मेल ऑफ क्लोरीन, स्मेल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की स्मेल होती है, क्लियर। तो इसमें क्लोरीन की स्मेल आती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसके पाउडर कलर अगर बात करें व्हाइट येलोइश व्हाइट पाउडर होता है और क्लोरीन इसमें स्मेल आती है। और प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, इट लूजेस इट्स क्लोरीन, इट लूजेस इट्स क्लोरीन व्हेन एक्सपोज टू एयर, लंबे टाइम तक आप अगर इसको एयर में रखते हैं तो अपनी क्लोरीन का जो क्लोरीन है गैस कितना वो लिबरेट कर देता है, लॉस कर देता है, क्लियर। ये इसका एक एयर का प्रॉपर्टी, क्लियर। और इसी तरीके से एयर के साथ क्या कहने, और भी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर दीजिए, या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दीजिए, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये अगर हम बात करें, अगर आप इसको ब्लीचिंग पाउडर को एयर कार्बन डाइऑक्साइड इनके साथ रखते हैं तो ये क्लोरीन को लूज कर देता है अपनी, समझ आ गया होगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्लोरीन जो गैस है ना, ये इससे रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ भी रिएक्ट करके ये अपना क्या करता है, लूज कर देता है क्लोरीन को, क्लियर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोनेट बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, तब ये लूज कर देगा, ठीक है। और आपका अगर सल्फेट होगा, सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट बना देगा, तब लूज करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तभी भी ये लूज करता है, ठीक है, क्लोरीन को, समझ आ गया, ठीक है। इसकी रिएक्शन लिख देते हैं, इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं तब और सही रहेगा। ब्लीचिंग पाउडर हमारा हुआ CaO Cl2, अगर हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बन गया CaCO3 प्लस Cl2, अभी भी नहीं, ये हो गया लिबरेट, ठीक है, ये हो गया CaO Cl2। अगर आपने इसको HCl के साथ रिएक्ट करा दिया तभी भी ये लिबरेट करेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ये लिबरेट हो गया। फिर आपका CaSO4 CaO Cl2 अगर मैं H2SO4 के साथ रिएक्ट करा दूंगा तो ये CaSO4 प्लस Cl2, ठीक है, ये लिबरेशन हो जाता है, वाटर भी इसके साथ लिबरेट हो जाता है, ठीक है। तो आप तीनों में देखेंगे तो आपको क्लोरीन लिबरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो मतलब ये क्या है, आप इसको ध्यान से समझे, तो ये अगर हम इसको एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड इनसे या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्लोरीन लूज करता है, ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए अब बात आती है, ये तो होगी इसकी प्रॉपर्टीज, अब बात करते हैं इसकी इसके यूजेस पे आते हैं, ठीक है। चलिए यूजेस में बात करें तो ये यूज होता है, यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर ब्लीचिंग पर्पजेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर ब्लीचिंग कॉटन लाइनिंग लिनन एक्सेट्रा, मतलब जो आपका रेशम, जो आपका जो है धागा है, थ्रेड है, ठीक है ना, तो बेसिकली इन सबको क्या, ब्लीच करने के लिए, इनका कलर रिमूव आउट करने के लिए, तो ये ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है, ब्लीच आउट करने के लिए इनको यूज किया जाता है। सेकेंडली यूज इन पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, सेम पर्पस सेम ही है, ब्लीचिंग करने के लिए, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया गया,
यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, जैसे क्लोरीन यूज होता है उसी तरीके से ये भी यूज किया जाता है, यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने पढ़ा था ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन फर्स्ट चैप्टर है ना, केमिकल टेंथ का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसमें है आपका, तो उसी तरीके से यहां पे ये क्या यूज किया जा रहा है, इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वेरियस केमिकल रिएक्शंस, वेरियस केमिकल रिएक्शंस, उन रिएक्शन में ये यूज किया जाता है। और भी है जो आपका ये ब्यूटी पार्लर्स में आज की डेट में जो फेशियल्स कराते हैं उनमें एक पार्ट है ब्लीचिंग का, है ना, तो वो क्या करता है, वो आपकी ब्लीच आउट कर देता है, हेयर्स का कलर चेंज करना है तो उसके लिए ब्लीचिंग यूज करते हैं, तो ये वहां पे भी यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका ब्लीचिंग का, समझ आ गया होगा। तो आप हमें बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर है क्या, इट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रिपेयर कैसे होता है, स्लेट लाइम CaOH होल ट्वाइस को अगर आप उस रिएक्ट क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो यू विल गेट ब्लीचिंग पाउडर, समझ आ गए। प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो ये व्हाइट येलोइश व्हाइट कलर का पाउडर होता है, स्मेल होती है इसकी क्लोरीन की जैसी, ठीक है। अगर हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड या फिर स्लेट लाइम, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनमें से किसी से भी रिएक्ट कराते हैं तो ये अपना क्लोरीन लूज कर देता है, तो ये आपको इसका भी पता होना चाहिए, क्लियर। यूजेस में बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है कॉटन एंड लाइनिंग की ब्लीचिंग करने में, लिनन की। उसके बाद ये आपका यूज होता है आपका पेपर इंडस्ट्री में, पेपर जो होता है उसमें भी जो वुड पल्प है उससे पेपर बनाने के लिए जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है, वुड पल्प से पेपर बनता है तो उसमें भी ब्लीचिंग यूज होती है, क्लियर। तो वहां पर यूज हो गया, फिर ये डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज हो जाता है और हमारे वेरियस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेंट की तरह भी यूज किया जाता है, समझ आ गया होगा। तो ये था आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो सारे आपके केमिकल्स हमने पढ़ लिए हैं जो हमारे को इस यहां डिस्कस करने थे, क्लियर। इसके बाद एक टॉपिक आता है वाटर ऑफ हाइड्रेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको समझते हैं, चलिए वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, या वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब हमने एक चीज हमें एक पता होना चाहिए, नाइन्थ क्लास में हमने स्टार्टिंग हमने पढ़ा है मेथड ऑफ सेपरेशन में क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, अगर मैं हम एक सॉल्यूशन लेते हैं वाटर का, वाटर ले लिया, वाटर में हमने सॉल्ट मिक्स कर दिया, वाटर में हमने सॉल्ट मिक्स कर दिया और हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, हम पानी लिया उसमें सॉल्ट डाला घोलना स्टार्ट किया, एक लेवल के बाद सॉल्ट घोलना बंद हो जाएगा, फिर हमने हीट किया, हीट करने के बाद और ज्यादा इसमें सॉल्ट घुलता गया, ऐसे करते करते हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जाते हैं, उस टेम्परेचर पे बहुत सारा सॉल्ट इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, और ये जब बहुत सारा सॉल्ट इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो इसे कहते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देते हैं। जैसे ही सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, मतलब आपने क्या किया, गर्म कर रखा है, गर्म करने से आपने क्या किया, उसमें बहुत सारा अमाउंट सॉल्ट का मिक्स कर दिया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब आप कूल करोगे, कूल करने से क्या होगा, जो सॉल्ट है गर्म था तो ये इसके अंदर सॉल्ट क्या है, बीच में डिसॉल्व हो गया। अगर हम बात करते हैं जैसे हमने चाशनी को देखा होगा, जब आप जलेबी होती है, जलेबी की चाशनी बनती है वो गर्म है जब तक तो उसमें चीनी घुली हुई है, आप जैसे ही उसको ठंडा करने लगेंगे तो उसकी ना क्रिस्टलाइजेशन होता है वहां पे प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में प्योर सॉल्ट जो शुगर है वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाती है, किनारे में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से जब आप उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे,
तो कुछ अमाउंट क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे क्या है आपका सेटल आउट होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट बन जाएंगे, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। और इस जब और इसमें होता क्या है, होता क्या है, जो सॉल्ट है जैसे आपका कोई सॉल्ट है ना, जैसे अगर एग्जांपल इसे समझते हैं, सॉल्ट है आपका CaSO4 है ना, CaSO4 ये था। लेकिन जब हम इसे क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो जो वाटर है उसके कुछ मॉलिक्यूल्स इस सॉल्ट में जुड़े चले जाएंगे, CaSO4.2H2O ये इसके साथ जुड़ जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन करने के चक्कर में। ये क्या होता है, इसे रिएक्ट नहीं कर रहे, क्रिस्टल के अगर हम बात करें जो स्ट्रक्चर है उसमें ये ऐड हो गए, तो हर क्रिस्टल में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो जो सॉल्ट है पाउडर, जो सॉल्ट होता है वो पाउडर की फॉर्म में होना चाहिए था, लेकिन जब वो क्रिस्टल बनाया, तो इसमें क्या है वाटर भी ट्रैप हो गया, वाटर इसके अंदर ट्रैप हो गया। तो हम बात करते हैं कि अगर हम एक क्रिस्टल में कितना वाटर ट्रैप हो रहा है एवरेज आउट करके, तो हम यहां पे जो हम बताते हैं उस वाटर को जो कहा जाता है जो ट्रैप हो गया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना, ये समझ आ गया होगा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, द वाटर विच गेट ट्रैप इन द सॉल्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब हम क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं उस टाइम पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल में, सॉल्ट के क्रिस्टल में स्टोर हो गए, दैट जो वाटर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर वाटर ऑफ हाइड्रेशन, ये दोनों चीजें कहा जाता है, समझ आ गया होगा। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द वाटर गेट्स ट्रैप्ड इन द क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट एंड ड्यू टू विच जो इसमें बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ड्यू टू विच कलर्स आर फॉर्म। व्हाइट कलर का जो सॉल्ट है जब हम उसे क्रिस्टल बना देते हैं तो उनमें कलर आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का होता है अगर हम उसमें वाटर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो जब बिल्कुल भी वाटर नहीं होता तो अगर हम एग्जाम्पल समझते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 इसे एनहाइड्रस कहा जाता है, एनहाइड्रस मतलब एनहाइड्रस सॉल्ट मतलब नो वाटर, एनहाइड्रस मतलब नो वाटर। ये कौन से कलर का है अगर हम बात करें तो ये व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे हम सर इसमें हम वाटर ऐड करते हैं क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं इसका, है ना, क्रिस्टलाइजेशन किया तो ये क्या हो गया कॉपर सल्फेट प्लस कुछ अमाउंट में इसमें क्या जुड़ जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ गए, लाइक ये 5-5 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ गए। अभी वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ने की वजह से क्रिस्टल बन गया, और ये क्रिस्टल बन गया तो इसका कलर क्या हो जाता है ब्लू हो जाता है, समझ आया। तो ये क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब ऐड होते हैं तो जनरली इनके कलर चेंज हो जाते हैं, कलर इनको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपके जो जेम स्टोन्स होते हैं ना, जेम स्टोन्स जो आपके नग होते हैं जिसमें, है ना, तो उनमें क्या है वो जो कलर आया वो बेसिकली क्रिस्टल बनने में था, वो सॉल्ट में अंडर प्रेशर और वाटर की प्रेजेंस होने की वजह से क्रिस्टल बन गया, और क्रिस्टल बनने की वजह से उनमें ही कलर आ जाते हैं, क्लियर। तो ये होते हैं ये जो H2O है इसी को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, समझ आ गया, क्लियर। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो ना ये आना चाहिए, एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। उस अगर हम बात करें सपोज इसको ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले जो कंपाउंड्स हैं अगर हम इनको हीट कर देते हैं, अगर हम इन्हें हीट करते हैं तो ये क्या करते हैं अपने वाटर के जो है ना मॉलिक्यूल्स जो इसके अंदर पड़े हैं तो ये हीटिंग करते समय ये वापस उल्टा रिएक्शन हो जाता है और आपको एनहाइड्रस सॉल्ट मिल जाएगा हीटिंग करने से। और ये हीटिंग करने से एनहाइड्रस सॉल्ट जब मिला तो ये आप देखेंगे ये अपना कलर भी लूज कर देगा और इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ आ गया। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वापस समझते हैं,
वो एक सॉल्ट को अगर आप सॉल्ट को पानी में मिला के जब आप उसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन का करते हैं, तो वाटर के कुछ कंपाउंड्स, जो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड हो जाते हैं इन क्रिस्टल्स के अंदर, ठीक है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो पर मॉलिक्यूल, मतलब अगर हम बात करें पर सॉल्ट का मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर ट्रैप हो रहे हैं, तो जो वैल्यू आती है उसे हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट है 5, पेंटाहाइड्रेट 5 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, तो इसके जिसको 5 मतलब पेंटा और हाइड्रेट वाटर को, ठीक है, तो पेंटाहाइड्रेट कहा जाएगा। तो एक क्रिस्टल में 5 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो हर CuSO4 पे 5 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं इन मॉलिक्यूल, अगर हम बात करें ना क्रिस्टल, तो ये होता है, क्लियर। और अगर हम इसको हीट कर देंगे तो ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा एंड वी विल गेट एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट मतलब सूखा होता है, उसमें वाटर नहीं होता, तो वो जनरली क्या होता है, वाटर आपका ये व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है, क्लियर, समझ आ गया होगा। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, समझ आ गया होगा। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, सारे टॉपिक्स हो गए कवर, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, इसके ऊपर नोट्स इनकी कंप्लीट करिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके।